नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, ये मेरे पास में BS6 हीरो स्प्लेंडर बाइक है और ये OBD2 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे काफ़ी लोग BS7 भी बोल रहे हैं, तो इसका ISP बॉल यहाँ पे इसके अंदर वायरिंग बढ़ाई गई है और ये कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का कमेंट था कि इस पर हमारा जो स्कैनर है वो काम करेगा कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास ये V311 स्कैनर है और ये इसे हम अटैच करेंगे। तो इसका जो डेटा लिंक का कनेक्टर है वो यहाँ से आउट होकर इस जगह पे अलग से आपको मिलेगा इस तरीके से। तो इसके अंदर ये है इसका डेटा लिंक कनेक्टर। तो यहाँ पे ये एकदम बहुत पतला सा बारीक सा कर दिया गया है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ इस तरीके से। ये इसका डेटा लिंक कनेक्टर है ये। तो इसके अंदर मैं अभी स्कैनर अटैच करूँगा। तो स्कैनर अटैच करने के लिए आपको, आपने ये वाला केबल ले रखा है तो बिल्कुल इजी इसके अंदर सपोर्ट कर जाएगा। यहाँ पे आपको ये इंटॉर्क है और ये TVS है अपाची बाइक का, होंडा पैप स्विच की। तो इस तरीके से ये आपको ये अटैच करना है, इससे कनेक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा हमारे 6 वायर का इसके अंदर फिटिंग। तो ऐसे इस जगह पे मैं यहाँ पे इसे अटैच करता हूँ, तो ये वाला जो कट वाला हिस्सा है वो इस जगह पे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इग्निशन ऑन है इस बाइक का, यहाँ पे अभी हम देखो स्कैनर तो पूरा अटैच हो गया इसके अंदर। जैसा मैं यहाँ पे इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कपलर आउट करूँगा इस जगह से और हमारी बाइक के अंदर फोल्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बाइक को मैं स्टार्ट करता हूँ एक बार। तो स्टार्ट हुई, इसका चेक इंजन लाइट शो कर रहा है, ठीक है। अभी हम बाइक को बंद करते हैं, वापस से इग्निशन ऑन करते हैं, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्कैनर पे। तो स्कैनर पे आपको सिंपल इंटर करना है और यहाँ पे फॉल्ट शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ECM पे सिंगल फॉल्ट शो कर रहा है, AC को इंटर करना है और यहाँ पे आप करंट फॉल्ट को, और इस तरीके से आपका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का ये सर्किट हाई बता रहा है, ये P0198 इसका कोड आ रहा है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसे हम थोड़ा बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे हम इसका इग्निशन ऑफ करेंगे यहाँ पे, और इसका जो ऑयल टेम्परेचर सेंसर है वो भी चेंज किया गया है यहाँ पे। आप डिलक्स का भी इसके अंदर HF डिलक्स का लगा सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद यहाँ पे हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट हुआ, चेक इंजन लाइट अभी इसका शो कर रहा है, ठीक है। अभी हम बाइक को बंद करते हैं और ये बंद बाइक पे ही आप करें तो ठीक से अच्छे तरीके से हो पाएगा। यहाँ पे चेक इंजन लाइट शो कर रहा है। यहाँ पे आते हैं हम स्कैनर पे, इंटर करेंगे सिंगल कोड आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है रीड कोड के नीचे इरेज करने का। तो ऐसे इस तरीके से, उसके बाद ऐसे ओके करना, ओके करने के बाद दोबारा से फिर से ओके करना है। और यहाँ पे दिखा रहा है इग्निशन ऑन होना चाहिए और इंजन ऑफ होना चाहिए, वापस से इसे दबा देंगे और यहाँ पे हैज बिन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फॉल्ट क्लियर हो गया। अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो चेक इंजन लाइट ये चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्कैनर है और ये केबल है वो काम करेगा इस बाइक के अंदर, जो हमारा OBD
टू है, ठीक है।